Hello students, let's start our second chapter, Animal World. There are different types of animals. बहुत अलग अलग तरह के जानवर होते हैं. Some animals live in forest while some animals are kept at homes and farms. कुछ जानवर जंगल में रहते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर में या हमारे फार्म में, हमारे खेत में, हमारे गौशाले में, स्टबल में रह सकते हैं. सी द पिक्चर बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट आर केप्ट एट होम एंड दोज केप्ट एट फार्म टू हेल्प अस. नीचे कुछ जानवर के जो हैं आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, ऐसे जानवरों के पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि या तो हमारे घर पे रह सकते हैं या फिर जिन्हें हम अपने फार्म में हेल्प करने के लिए रखते हैं. हमारे खेत में, हमारे स्टबल में, हमारे गौशाले में हम उन्हें रखते हैं. क्यों? हमारी मदद के लिए या फिर हमें उनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं. इसीलिए नीचे आपके फिगर में आप देख सकते हैं कौन कौन से जानवर हैं. ए में क्या है? काऊ है. बी में क्या है? इमू है. देखिए बी में इमू बर्ड है आपकी. इमू का हमें एग मिलता है और फ्लैश मिलती है इससे. और काऊ से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. सी में देखिए आपका गोट है. सी में गोट है, बकरी. गोट से हमें क्या मिलता है? गोट से मिल्क भी मिलता है और गोट बहुत लोग खाते भी हैं एज अ मीट, मांस के तौर पे. डी में क्या है आपका? डोंकी और घोड़ा. डी में डोंकी है और बगल में आपका स्टेबल में देखिए घोड़ा भी है, यहाँ पे बगल में सीप भी है. तो ये सारे क्या है? आपके ऐसे जानवर हैं जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. जो डोंकी है वो बहुत भारी सामान उठा सकता है तो वो हैवी सामान कैरी करने में यूज़ किया जाता है. घोड़ा भी आपके कहीं आने जाने के लिए यूज़ किया जाता है. और शीप क्यों यूज़ किया जाता है? शीप मिल्क भी देती है और वूल भी देता है, ऊनी ऊन देता है. ई में क्या आपका? देखिए ई में आपका स्वान है और डक्स है. तो स्वान और डक्स क्या देती हैं? हमें एग भी देती हैं और उनके फ्लैश भी खाते हैं लोग. एफ में क्या है आपका? एफ में डॉग है और कैट है. एफ में डॉग है और यहाँ पे देखिए कुछ और भी जानवर हैं. देखिए काऊ के बगल में आपका ऑक्स है, यहाँ पे कैट है, फिश है, नीचे रैबिट है. ये सारे जो जानवर है इस पिक्चर में वो सारे हमारे घर पे हमारे साथ रह सकते हैं. या तो घर के अंदर रहते हैं या तो घर के बाहर रहते हैं. जैसे आपका डॉग, कैट, रैबिट, फिश, ये सब क्या है? ये सब घर के अंदर रहते हैं. और बाकी जितने जानवर हैं आपके यहाँ पे ऑक्स, काऊ, हॉर्स, डोंकीज, शीप, गोट, स्वान, डक, ईमू, ये सारे कहाँ रहते हैं? ये सारे फार्म में, घर के बाहर बगल में आप गौशाला बना के रख सकते हैं या कोई फार्म बना के रख सकते हैं इन सारे जानवर को. तो ये सारे क्या है? पेट एनिमल्स हैं. इन सारे को हम पालते हैं. ये सारे क्या है? पालतू जानवर हैं. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू और घरेलू जानवर. सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट लिव विद अस इन आवर होम. कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. कौन कौन? कुत्ते, बिल्ली. दीज आर पेट एनिमल्स. और ये क्या है? पालतू जानवर हैं. वी मस्ट लुक आफ्टर द पेट एनिमल्स. और हमें हमारे पालतू जानवर का देखभाल करना चाहिए. हमारे पालतू जानवर पे ध्यान देना चाहिए. सम एनिमल्स लाइक हॉर्स, काऊ, डक लिव नियर आवर होम और इन द फार्म. कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि हमारे घर में या घर के पास रहते हैं. ये सारे क्या है? घर में नहीं रह सकते, घर के पास रहते हैं. जैसे घोड़ा, काऊ, डक, ये सब इनको हम फार्म में रख सकते हैं या घर के पास कोई गौशाला या फिर स्टेबल या फिर कुछ और बनाकर. दे हेल्प अस इन मैनी वेज. ये हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं. दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. और इनको क्या कहते हैं? हम घरेलू जानवर कहते हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली. और इनकी हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. ठीक है, कौन कौन से जानवर? काऊ, हॉर्स, डक और भी कुछ है, डोंकी, ऑक्स, ये सारे क्या है? जिनको कि हम घर के बाहर रखते हैं. इनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. वाइल्ड एनिमल्स,
इनको डोमेस्टिक एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, इनके साथ हम रह सकते हैं, इनको हम पालतू बना सकते हैं. द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ऐसे जानवर जो कि जंगल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. हिप्पोपोटामस, लायन, एलिफेंट एंड जिराफ आर बिग वाइल्ड एनिमल्स. हिप्पोपोटामस हो गया आपका, हिप्पोपोटामस को हिंदी में क्या कहते हैं? दरियाई घोड़ा. लायन, आपके जंगल का राजा लायन. एलिफेंट, जिराफ, ये सारे क्या बहुत बड़े जानवर हैं, क्या बिग वाइल्ड एनिमल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं. इनको हम घर में नहीं रख सकते, और इनको हम घर में इसलिए भी नहीं रख सकते क्योंकि इनको हम प्रॉपरली वो खाना नहीं दे सकते हैं, ये जंगल में रहते हैं. वैसे तो बहुत लोग एलिफेंट पालते हैं या फिर जिराफ को भी आप ऐसे केज में रख सकते हैं, मगर फिर भी इन जानवरों को कोई घर में नहीं रखता, मतलब जनरली नहीं रखता. ये आसपास आपके ऐसे आम तौर पे घूमते हुए आपको नहीं मिलेंगे, ये जंगल में रहते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. क्यों वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं? क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते हैं. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ऐसे जानवर जो कि जंगल में रहते हैं उसे जंगली जानवर कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. फॉक्स, जैकाल, वुल्फ, रैबिट आर स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स. और कुछ छोटे जंगली जानवर जो है आपके वो क्या है? फॉक्स, जैकाल, वुल्फ, रैबिट, ये सारे छोटे जंगली जानवर है. वो सारे जो थे आपके लायन, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, जिराफ, ये सब क्या थे? बहुत बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स. और ये सारे क्या हैं? आपके छोटे छोटे वाइल्ड एनिमल्स हैं. ठीक है, देखिए अब आपके फिगर में कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, और आपको यहाँ साइड में लिखना है कि कौन से नंबर पे कौन सा एनिमल है. ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट नंबर में क्या है? वन में लायन है, लायन के पास वन लिखा है, लायन. सेकेंड नंबर में क्या है? देखिए यहाँ सेकेंड नंबर में हिप्पोपोटामस है आपका, हिप्पोपोटामस. थर्ड नंबर में जिराफ है आपका, जिराफ. फोर्थ नंबर में क्या है? एलिफेंट है. फिफ्थ नंबर में क्या है? क्रोकोडाइल है. सिक्स्थ नंबर में मंकी है. सेवेंथ में आपका राइनोसॉरस है. एट्थ में क्या है आपका? रैबिट है. तो ये सारे आपके जो हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं जो आपके पिक्चर में दिए हुए थे. नाउ लेट्स कम टू मैमल्स. सम एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. कुछ एनिमल्स जिनके शरीर पे बाल होते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स. ऐसे जानवर जिनके शरीर पे बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं. द हेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. और ये जो उनके ऊपर जो बाल होते हैं ये इन्हें गर्मी और ठंड दोनों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी और ठंड दोनों से. तो ऐसे जानवर को क्या कहते हैं? हम मैमल्स कहते हैं. सम ऐसे जानवर जिनके शरीर पे बाल होते हैं और वो बाल उन्हें ठंड और गर्मी से बचाते हैं, और ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं. मैमल्स हैव टू आईज, टू ईयर्स, नोज एंड अ माउथ. मैमल्स के पास क्या होता है? दो आंखें, दो कान, एक नाक और एक मुंह होता है. मोस्ट ऑफ देम हैव फोर लिम्स. ज्यादातर के चार पांव होते हैं जिनसे वो चलते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स, अपने हाथ पाओ के मदद से. दे गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्फ. और वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, मतलब उनके बच्चे अंडे से पैदा नहीं लेते, वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है, लायन, कैट, मंकी एंड डियर आर सम मैमल्स. और कुछ मैमल्स के एग्जाम्पल क्या है? लायन, कैट, मंकी एंड डियर्स आर
एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स, ह्यूमंस आर मैमल्स टू, ह्यूमंस भी मैमल्स हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस भी बच्चे पैदा करते हैं. ह्यूमंस अंडे पैदा नहीं करते, ह्यूमंस क्या पैदा करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं. इंसानों से इंसान बेबी पैदा होता है ना, अंडे पैदा नहीं लेते हैं, बेबीज पैदा होते हैं. इसीलिए ह्यूमंस भी क्या है? मैमल्स है. और इसलिए भी ह्यूमंस मैमल्स हैं क्योंकि ह्यूमंस के भी दो आंख, दो कान, एक मुंह, एक नाक है. और हमारे भी चार लिम्स हैं, है ना, दो पांव, दो हाथ, है ना, दो पैर, दो हाथ. तो हमारे भी चार लिम्स हैं, तो हम भी क्या है? मैमल्स हैं. अब आपका नीचे देखिए, एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल, एक्वा मतलब क्या होता है? एक्वा मतलब पानी होता है. तो एक्वा मतलब पानी होता है. तो एक्वाटिक मतलब ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं. सम लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स वाइल अदर लिव इन सी. कुछ जानवर तालाब में, झीलों में या नदियों में रहते हैं और कुछ समुंदर में रहते हैं, सी में. अब पॉन्ड, रिवर और लेक्स और सी में क्या डिफरेंस है? पॉन्ड, रिवर और लेक्स में जो पानी होता है वो कैसा पानी होता है? जो हम पीते हैं, मीठा पानी, मतलब नॉर्मल वाटर होता है. और जो सी का पानी होता है, ओशियन का पानी होता है, वो कैसा होता है? खारा पानी होता है, सॉल्टेड वाटर होता है, सॉल्टी वाटर. ठीक है, तो ये डिफरेंस है पॉन्ड, लेक और रिवर में और सी में. देयर आर मैनी काइंड ऑफ फिश. बहुत अलग अलग तरह की मछलियां हैं. सम फिश आर स्मॉल वाइल अदर्स लाइक शार्क आर बिग. कुछ मछलियां छोटी छोटी हैं और कुछ जो है बहुत बड़ी हैं, शार्क जैसी. और देखिए आपका यहाँ मोर टू नो में दिया है, वेल्स एंड डॉल्फिन आर लार्ज एनिमल्स दैट लिव इन द सी. वेल्स, डॉल्फिन, शार्क्स, ये सब कहाँ रहती हैं? ये सारी नदियों में नहीं रहती, ये सारी समुद्र में रहती हैं, सागर में रहती हैं. दे आर नॉट फिश, ये सारी क्या है? मछलियाँ नहीं है. दे आर मैमल्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस. ये सारी क्या है? मछलियाँ नहीं है, ये सारे मैमल्स हैं. मैमल्स क्यों हैं ये? मैंने बताया आपको, मैमल्स क्या करते हैं? अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. वो अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं, याद रखिएगा. तो ये सारी जो फिश हैं आपकी, डॉल्फिन, शार्क, ब्लू वेल, ये सब क्या करती हैं? ये सारी जो हैं बच्चे पैदा करती हैं, अंडे नहीं देती. जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं? वो अंडे देती हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं. मगर ये सारी जो मछलियां हैं ये बच्चे डायरेक्ट पैदा करती हैं. ठीक है, तो इसलिए ये मैमल्स हैं, इन्हें फिश नहीं मानते. All fish can swim. सारी मछलियां क्या कर सकती हैं? तैर सकती हैं. With the help of their fins. सारी मछलियां अपने fins की मदद से. Fins किसे कहते हैं? ये जो मछली का तैरने के लिए जो पंख होता है ना, इनको fins कहते हैं. तो अपनी fins की मदद से जो सारी मछलियां हैं, ये fins हैं मछलियों के जिनसे वो तैरती हैं. इनकी हेल्प से वो तैरती हैं. द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विथ स्केल्स. जो मछली का बॉडी होता है उस पर क्या होते हैं? ये देखिए, स्केल्स होते हैं ऐसे ऐसे. फिश ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच. मछलियां क्या करती हैं? बच्चे अंडे देती हैं, एग्स देती हैं, अंडे देती हैं जिनसे कि यंग वंस आते हैं, बच्चे आते हैं. ठीक है, मछलियां क्या करती हैं? अंडे देती हैं जिनसे कि बच्चे आते हैं. और मैंने बताया ना कि और सारी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, लाइक आपकी क्या हो गई, ये ब्लू वेल, शार्क, वेल्स, डॉल्फिन्स जो हैं, ये आपकी, ये सब क्या हैं? ये सब मैमल्स हैं. क्योंकि ये सारी जो हैं, ये तीन जो हैं, ये क्या करती हैं? ये बच्चे देती हैं, अंडे नहीं देती, इसलिए ये फिश नहीं है. ये सारे क्या है? मैमल्स हैं. याद रखिएगा फिश और मैमल्स में क्या डिफरेंस है. फिश अंडे देती हैं, मैमल्स अंडे नहीं देते. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जानवर क्या खाते हैं, क्या खाने की आदतें हैं किस किस जानवर को. सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हॉर्स एंड जेब्रा ईट ग्रास. कुछ ऐसे जानवर हैं
जो कि ग्रास खाते हैं, ग्रास लीव्स एंड फ्रूट्स, घास पत्ते और फल खाते हैं। दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, इनको क्या कहते हैं, पेड़ खाने वाले एनिमल्स। दी प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, और पौधे पेड़ खाने वाले जानवर को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जानवर, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जानवर जो कि साग खाते हैं, पत्ते पेड़ पौधे खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक लायन टाइगर एंड वुल्फ किल अदर एनिमल एंड ईट देयर फ्लैश, कुछ जानवर जैसे आपके शेर, बाघ, गीदड़, ये सब क्या है आपके, ये सब दूसरे जानवर का मांस खाते हैं। ईट फ्लैश, दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इनको मांस खाने वाले जानवर कहा जाता है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, और मांस खाने वाले जानवर को कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी जानवर कहते हैं, याद रखिएगा। सम एनिमल्स लाइक बियर, क्रो ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश फॉर एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि दोनों चीज खाते हैं, वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ऐसे जानवर को क्या कहते हैं, दे आर प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स एनिमल, क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स एनिमल्स आर बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स, वो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वाहारी जानवर, सारी चीजें खाने वाले, सर्वाहारी, ओमनीवोर्स। सम एनिमल्स लाइक जैकल्स, हाइना एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। याद रखिएगा, आपके जो ये हमने कार्निवोर्स में पढ़ाना, ये जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, ये सारे अपना शिकार खुद करते हैं, वो मारते हैं जानवर को और फिर खाते हैं। मगर जो आपके ये है नीचे दिए हुए स्कैवेंजर्स, ये सब क्या करते हैं, ये मरे हुए जानवर को भी खाते हैं, ये मरे हुए जानवर को खाते हैं खुद से। दे डोंट प्रे ऑन अदर एनिमल्स, ये शिकार नहीं करते, ये शिकार खुद से नहीं करते हैं, ये मरे हुए बचे हुए जानवर को खाते हैं। लाइक ऐसे जैसे कि मान लो किसी लायन ने शिकार किया, लायन ने डियर का शिकार किया, डियर को खाया और फिर बाद में कुछ फ्लैश छोड़ दिया, उसका पेट भर गया तो उसने फ्लैश छोड़ दिया। अब उस फ्लैश को जायकाल, हाइना या वल्चर खाएंगे, ठीक है, ये लोग खुद से शिकार नहीं करते, याद रखिएगा, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक जायकाल, जीना, वल्चर ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, क्या कहते हैं इनको, स्कैवेंजर्स कहते हैं। दे हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, और ये किस चीज में मदद करते हैं, वातावरण को साफ रखने में, एनवायरमेंट को क्लीन रखने में, एनवायरमेंट को साफ रखने में हेल्प करते हैं। क्यों, ये बचा हुआ जो बचा कुचा मांस होता है उसको चट कर जाते हैं, साफ कर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वातावरण हमारा साफ रहता है। All animals drink water to live, और सारे जानवर जो हैं आपके वो पानी पीते हैं जिंदा रहने के लिए। They drink water from puddles, ponds, lake and river, ये लोग कहाँ से पानी पीते हैं, या तो जमा हुआ जो पानी होता है वो, या तालाब से, या झील से, या नदियों से पानी पीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे बचाएं। देयर आर एनिमल्स लाइक पांडा, टाइगर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंडियन राइनोसॉरस, दे आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर, कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि पांडा, टाइगर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन राइनोसॉरस,
दे आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम बच गए हैं संख्या में, जनसंख्या इनकी क्या हो गई है, बहुत सीमित हो गई है, लुप्त होते जा रहे हैं, ये क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, दे मे सून ऑल डाई, हो सकता है कि आने वाले समय में ये सारे के सारे मर जाएं, जो भी बचे हुए हैं वो भी ना रहें, सच एनिमल विच मे नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, ऐसे जानवर जो कि बहुत अधिक समय के लिए नहीं रहने वाले, आर कॉल्ड इनडेंजर्ड एनिमल्स, वो क्या कहते हैं, इनडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे जानवर जिनका जिनकी संख्या घटती जा रही है लगातार, और ऐसा लग रहा है कि ये अब नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे, धरती से लुप्त हो जाएंगे, धरती से ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे जानवर को क्या कहते हैं, इनडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, हमें इन्हें लुप्त होने से बचाना, इन्हें खत्म होने से बचाना है, लुप्त एक्सटिंग मतलब लुप्त होना, जो चीज खत्म हो जाती है, हमें इसे एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, वी मस्ट ट्राई टू सेव देम, हमें इन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, नॉट टू किल देम, इन्हें मारना नहीं चाहिए, फॉर फन अपने मजे के लिए, फॉर स्किन उनके चमड़े के लिए, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसको हम जंगली जानवरों का बचाव कहते हैं, रख रखाव कहते हैं, जंगली जानवर को हमें बचा कर रखना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों को, जंगली जंतुओं को बचाना कहते हैं हम इसे, ठीक है, और हमें इन्हें बचाना चाहिए क्योंकि ये धरती से लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज, हाउ डू मैमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मैमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स, हमने पढ़ा कि मैमल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, अपने लिम्स की मदद से जाते हैं, हमने पढ़ा ना, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स, तो हम क्या लिखेंगे, मैमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डू द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ मैमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, आप लिखेंगे द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द मैमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, गर्मी और ठंड से बचाता था उन्हें, हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि गर्मी और ठंड से उनके है जो बाल हैं बचाते हैं उन्हें, द हेयर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू फिश स्विम, हमने पढ़ा था फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स, किससे, फिन्स, फिन्स की हेल्प से वो स्विम करती है, हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, वो अपने फिन्स की, फिश कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, फिन्स की मदद से वो स्विम करती हैं, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द बॉडी ऑफ फिश कवर्ड विथ, फिश का बॉडी किस चीज से कवर्ड होता है, फिश का बॉडी कवर्ड होता है कवर्ड विथ स्केल्स, स्केल्स से कवर्ड रहता है ना फिश का बॉडी, द बॉडी ऑफ अ फिश इज कवर्ड विथ स्केल्स, ये रहा आपका आंसर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओनली मैमल दैट ले एग्स, कौन सा ऐसा एक मैमल है जो अंडे देता है, मैमल्स में आते हैं हम, देखिए यहां लिखा है इसका आंसर, कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, द डक बिल्ड प्लाइटाइपस इज द ओनली मैमल दैट ले एग्स, प्लाइटाइपस जो है ये क्या करता है, एक इकलौता मैमल है जो अंडे देता है, याद रखिएगा प्लाइटाइपस जो है इकलौता मैमल है जो अंडे देता है, ठीक है, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, हमने पढ़ा वो एनिमल्स जिनको हम घर पे रख सकते हैं, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
सम एनिमल्स लाइक हॉर्स काउ डक लिव नियर आवर होम और इन द फार्म दे हेल्प अस इन मेनी वेज दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. ये क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वॉट आर एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स क्या है, जो पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं. ये रहा आपका आंसर. एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. सम लिव्स इन पॉन्ड लेक रिवर वाइल अदर्स लिव इन सी. आप कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा इसके, लाइक फिश, शार्क, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है. From where do animals drink water? Animals कहाँ से पानी पीते हैं. हमने पढ़ा था animals कहाँ से पानी पीते हैं, कुछ puddles से, कुछ pond से. देखिए यहाँ लिखा है all animals drink water. They drink water from puddles, pond and river. आप क्या लिखेंगे answer में, they drink water from puddles, pond, lake and river. यही है आपका answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वॉट आर इंडेंजर्ड एनिमल्स. इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन है, ये देखिए वैसे जानवर जो कि जल्दी खत्म हो जाएंगे. देर आर एनिमल्स लाइक पांडा, टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन राइनोसोरस. दे आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर. दे मे सून ऑल डाई. सच एनिमल्स विच मे नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स. ये क्या है आपका, इंडेंजर्ड एनिमल्स का आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम बींग एक्सटिंक्ट. हमें जानवरों को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बींग एक्सटिंक्ट. क्या करना चाहिए हमें, वी मस्ट ट्राई टू सेव देम. हमें उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए. नॉट टू किल देम फॉर फन, स्पोर्ट्स और स्किन. ये क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें उन्हें अपने खेल के लिए, मजे के लिए या उनके चमड़े के लिए उन्हें नहीं मारना चाहिए. हाउ डू एनिमल्स लाइक जैकाल वल्चर हेल्प टू कीप एनवायरमेंट क्लीन. इसका आंसर क्या लिखेंगे, जैकाल वल्चर हेल्प टू कीप एनवायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल्स. ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं और एनवायरमेंट को साफ रखते हैं. हाइना वल्चर ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. दे हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, नाउ कम टू पार्ट सी. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इच. हर्बीवोरस एनिमल्स के आपको एग्जाम्पल देना है. शाकाहारी जानवर क्या है, शाकाहारी जानवर, काउ, हॉर्स. कार्निवोरस का एग्जाम्पल देना, मांसाहारी का, लायन, टाइगर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओमनीवोरस एग्जाम्पल देना है आपको. ओमनीवोरस कौन कौन है, बियर, क्रो. एक्वाटिक एनिमल का एग्जाम्पल देना है, फिश, वेल. मैमल्स का एग्जाम्पल देना है, मैमल्स कौन कौन से हैं, एक वेल मैमल है और दूसरा मैमल. डॉल्फिन. इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से है, टाइगर, और कौन सा है, पांडा. ठीक है, अब ट्रू फॉल्स पे आइए. ट्रू फॉल्स, लायन इज अ डोमेस्टिक एनिमल. लायन पालतू जानवर है क्या, फॉल्स. लायन पालतू जानवर नहीं है, तो क्या होगा आपका आंसर, फॉल्स. जैकाल ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल. जैकाल क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है. ट्रू. ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स. ट्रू.
हर्बीवोरस आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. हर्बीवोरस क्या है? शाकाहारी है कि मांसाहारी है? शाकाहारी है ना, तो फ्लैश कैसे खाएंगे? फॉल्स. पांडा एंड टाइगर एंडेंजर्ड एनिमल्स. ट्रू हो गए. ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स. ट्रू. नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड. पानी में रहने वाले को क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स. ह्यूमंस आर. ह्यूमंस क्या है? मैमल्स हैं. मैमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ओमनीवोरस. ओमनीवोरस. वी मस्ट डैश वाइल्ड एनिमल्स. हमें क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए. कंजर्व वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, ये फिनिश हो गया आपका. नेक्स्ट कम टू मैच द कॉलम. मैच द कॉलम पे आते हैं. वेल. वेल इज अ एक्वाटिक एनिमल. जेब्रा. पांडा. पांडा इज इंडेंजर्ड एनिमल. बियर. बियर इज ओमनीवोरस. वुल्फ. वुल्फ इज कार्निवोरस. जेब्रा इज हर्बीवोरस. ओके, फिनिश्ड. दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड. नाउ कम टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज पजल. फिल द करेक्ट अल्फाबेट एंड मेक द नेम ऑफ एन एनिमल. फर्स्ट क्या आपका? एच ओ आर एस ई हॉर्स. फिर जिराफ. जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ. डियर. डॉल्फिन. रैबिट. राइनोसॉर्स. नाउ कम टू नेक्स्ट. सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना है आपको. पहला है आपका टॉलेस्ट एनिमल. टॉलेस्ट एनिमल क्या होता है आपका? जिराफ होता है. हर्बीवोरस डोमेस्टिक एनिमल, ऐसा घास खाने वाला पालतू जानवर. एच से हॉर्स. स्मॉल वाइल्ड एनिमल, छोटा वाइल्ड एनिमल. कहाँ फिल करना है आपको? फोर नंबर में. फोर में क्या है? छोटा वाइल्ड एनिमल. रैबिट. आर फॉर रैबिट. इंडेंजर्ड एनिमल. इंडेंजर्ड एनिमल किसमें फिल करना है? सिक्स में. सिक्स में टी फॉर टाइगर. सेवेंथ में आपको फिल करना है ओमनीवोर बर्ड. ऐसा बर्ड जो कि प्लांट और शाकाहारी खाना और मांस दोनों खाता हो. सी फॉर क्रो. ठीक है, नाउ कम टू डाउन. डाउन में क्या भरना है? एनिमल ईटिंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. ऐसे एनिमल जो कि मरे हुए जानवर का मांस खाता, और वो एच से होना चाहिए. तो हाइनाज. ठीक है, हाइनाज. एच वाई ई एन ए एस. बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा जानवर. एलिफेंट. ई फॉर एलिफेंट. ठीक है, फिर फाइव में क्या? एक्वाटिक एनिमल. एस फॉर स्टार फिश. एस टी ए आर एफ आई एस एच. देखिए, स्टार फिश. ठीक है, तो आपका ये फिनिश हो गया. तो इसके साथ आई होप आपका ये चैप्टर खत्म हो गया. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.